नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी वर्सन। आज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको कि ग्लैडुलस को बीज कैसे कलेक्ट किए जाए। ये ग्लैडुलस बहुत सुंदर माइक शेप का, घंटी का शेप का फ्लावर है और ये नीचे से स्पाइक के रूप में आते हैं और ये कॉम से ग्रो करते हैं, जैसे प्याज के ऑनियन के जो बल्ब होते हैं उस तरह के कॉर्म आते हैं इसके। और ये दिसंबर में नवंबर में इसको लगाया जाता है और दिसंबर जनवरी में इसके फूल खिलाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पूरे स्पाइक्स में बहुत सारे फूल होते हैं और ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल महीने में जब फूल आपके पूरे सूख जाए, उसके धूप में सूख जाए, तब आपके ये सीड जो बन जाते हैं ये फ्लैट प्लेट के जैसे जैसे लगता है भूरे कलर के, ब्राउन कलर के, कत्थी रंग के, ये पतले पतले चपटे चपटे सीड होते हैं, ये बीज होते हैं और इसके बीच में मोटा होता है। ये अलग अलग बहुत सारे एक एक पॉड में करीब 15-20 सीड हो जाते हैं और ये आप अगर कलेक्ट कर लें और ये करीब 2 दिन आपको धूप में सुखा के इसको आप जीपर पैकेट में रख दें और फ्रिज में रख दें, तो अगले साल के लिए आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं अपने ग्लैडुलस के। तो ग्लैडुलस को कॉम से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब आप इसको लगा लीजिए अक्टूबर नवंबर महीने में, तब इसके सीडलिंग बन जाएंगे, इसके पौधे बन जाएंगे। और कुछ दिन पहले मैंने ये सब सारे सीड्स कलेक्ट किए थे और ये भी आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे। ये जो काफ़ी सारे पॉड होते हैं, एक एक पौधे में कम से कम 15-20 पॉड लग जाते हैं, जितने फूल होंगे उतने पॉड होंगे और एक एक पॉड में 15-20 सीड हो जाते हैं। और आराम से उसको तोड़ लीजिए और उसको उसमें से जो बीज हैं सीड पॉड से बीज उसके निकाल लीजिए और उसका जो गंदा जो चीज़ें हैं, जो पंखुड़िया दूसरी है, वो सब आपको हटा दें और सिर्फ जो सीड हैं जो हरे वो आपको निकाल लें और बहुत सारे सीड आपको मिल जाएंगे इस पॉड से। और ये एक्चुअली अप्रैल महीना बहुत आइडियल है और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है सीड, ये चपटे चपटे कत्थी रंग के ब्राउन कलर के प्लेट जैसे सीड हैं और ये आप कलेक्ट कर लें और सुखा लें और ये जीपर पैक में रख के आप फ्रिज में रख दें। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे जीपर पैक में रख के रखते हैं। ये देखिए आप, मैंने सीड कलेक्ट किए हैं, ये सुखा लिए हैं मैंने 2 दिन और अब मैं जीपर पैक में इसमें डाल के रखने वाला हूँ। तो इसको ले लें आप और अपने हाथों से जीपर पैकेट में डाल लें और जीपर पैकेट में से हवा आपको निकाल लें पूरी, ताकि पूरी उसमें हवा नहीं रहे कोई भी थोड़ी सी भी, और सीड्स जो हैं बिल्कुल सूखे होने चाहिए। और आप इसमें से बहुत सारे तरह तरह के सीड्स जो हैं वो रख सकते हैं इसमें, एक ही तरह बहुत कलर के। और ये मैं जीपर पैकेट को लॉक करने जा रहा हूँ, लॉक करके इसको मैं अब फ्रीज में रख दूँगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको फ्रीज में कैसे रखते हैं। फ्रीज में रखेंगे तो आप डीप फ्रीज में ना रखें, नॉर्मल फ्रीजर में रख दें, ये दरवाजे के पास रख दें या नॉर्मल फ्रीजर में कोई भी हिस्से में रख दें, लेकिन डीप फ्रिज में ना रखें। तो ये आपके 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रह जाएंगे सेप्टेम्बर महीने में, फिर आप इसको निकाल के सीडलिंग कर दें। चलिए, और अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो 2 बातें आप मैं बता देता हूँ। इसकी सबसे ख़राब बात यह है कि इसको घरे ग्रो करेंगे तो कम से कम 2 साल लग जाएंगे आपके पौधे में से फूल आने से। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें से सीड से, क्योंकि पोलिनेशन बहुत तरह तरह के फूल से होते हैं, तो आप तरह तरह के फूल इसमें से मिल सकते हैं। तो हमने तो ज़्यादातर हम कॉम से या जो बल्ब से उससे ग्रो करते हैं क्योंकि 1-1.5 महीने में फूल आ जाते हैं, और इसको ग्रो करने में आपको काफ़ी समय लगेगा, करीब 2 महीने लग जाएंगे आपके पूरे। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप कहीं से भी नर्सरी से कॉर्न खरीद लें या बल्ब खरीद लें, वो लगा लें, 1-1.5 महीने में आपको पूरे फूल आ जाएंगे। तो कोई भी गार्डन से आप ले लें और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे करते हैं सारे। तो कुछ दिन पहले मैंने ये शो किया था, दिखाया था भी कैसे कैसे फूल होते हैं इसके, तो मैंने आपको पूरा बताया कैसे इस सीड्स को आप स्टोर कर सकते हैं और बहुत अच्छे सीड्स हैं, कहीं पर भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक दे दें वीडियो को, और अब अगर आप चाहते हैं यार दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और अगर आप तक अभी तक ये चैनल गार्डनिंग में पैशन हिंदी वर्सन सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये गार्डनिंग के चैनल के बारे में बहुत सारे मैं बताऊँगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल देखने के लिए, और आपका दिन बहुत शुभ हो और बहुत सुंदर।